वेलकम टू जीके सागा। इस वीडियो में हम 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन वैक्सीन टू पास WHO टेस्ट? तो जो फर्स्ट इंडियन वैक्सीन है जिसने WHO का टेस्ट पास किया है वो है रोटावैक। इसको हम याद करने के लिए ऐसे देखेंगे जैसे कि हमने बात की है रोटावैक वैक्सीन है, इसने ये टेस्ट पास किया है। तो रोटा से हमको सिमिलर साउंड कर रहा है रोटी के, और रोटी कहाँ बनती है? रोटी इंडिया में बनती है। तो इस तरह से आप इसको लिंक करेंगे कि ये एक इंडियन वैक्सीन है जिसने WHO टेस्ट पास किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन विच स्टेट? तो 2018 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और जो पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया था वो था हिमाचल प्रदेश। इसको याद रखने के लिए मैसेज देखेंगे जैसे कि यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, यहाँ से हम नेचुरल ले लेते हैं। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश सिमिलर है, साउंड कर रहा है हिमालय के, और आपको पता है हिमालय जो है वो भी बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रखेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो हुई है वो ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस इक्वल पे? तो 2018 में आइसलैंड ने इक्वल पे इंट्रोड्यूस किया। इक्वल पे यानी मैन और वुमेन को, दोनों को इक्वल पे मिलने वाला है। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे जैसे कि यहाँ पे आइसलैंड की बात हो रही है, यानी आइस की बात हो रही है। आइस मतलब एकदम ठंडा, तो हम ऐसे देखेंगे वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े ठंडे स्वभाव के हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि वुमेन्स को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या उनके बराबर में पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसलिए वहां पे उन्होंने इक्वल पे लॉन्च कर दिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ICC बोर्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर? तो ICC बोर्ड की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर है वो है इंदिरा नूई। ये पेप्सिको की चेयरमैन रह चुकी हैं और इनको भी ICC बोर्ड में इंडक्ट किया गया है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे जहां से उनको सरनेम है नूई। नूई सिमिलर साउंड कर रहा है नई के, यानी एकदम नई, और ये क्या है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर, यानी कि ये नई चीज है ICC बोर्ड के लिए कि वहां पे एक फीमेल डायरेक्टर आई है। तो इसलिए हम इसको लिंक करेंगे कि ये नई चीज है ICC के लिए कि वहां पे एक फीमेल डायरेक्टर आई है, और नई से आपको इंदिरा नूई याद आ जाएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन पाकिस्तान सेनेट? तो जो पाकिस्तान के सेनेट में जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो है कृष्णा कोहली। इसको हम याद ऐसे रखेंगे जैसे कि इनका सरनेम है कोहली। कोहली से हम हमारे जो क्रिकेटर है, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, उनको याद करेंगे। और ये कहा कि वो पाकिस्तान सेनेट में गई है, तो ये कोई इसी हिंदू वुमेन का पाकिस्तान सेनेट में जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो और हमको ये भी पता है कि हमारे जो कैप्टन है उनमें भी बहुत हिम्मत है, बहुत करेजियस प्लेयर है वो। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकेंगे कि कृष्णा कोहली और विराट कोहली से आप इसको लिंक करेंगे कि इनमें बहुत हिम्मत थी इसलिए ये पाकिस्तान के सेनेट में जा गई है वहाँ पे। 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो जो 2020 समर ओलंपिक्स है ये होने वाला है टोक्यो, जो कि है जापान में। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च 24/7 हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स? तो तमिलनाडु ने ये 24/7 हेल्पलाइन स्टार्ट की है स्टूडेंट्स के लिए। इसको याद हम ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पे जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, तमिल हम इसमें से लेते हैं। तमिल सिमिलर है तालीम के, तालीम का मतलब आपको पता होगा कि एजुकेट करना, किसी को शिक्षा देना, उसको तालीम बोलते हैं। तो तालीम किसको दी जाती है? तो दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो? तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं, ये पहले इंडियन फाइटर पायलट हैं जिन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाई है वो भी अकेले बैठ के। इसको हम ऐसे देखेंगे जैसे कि कोई फाइटर प्लाई जो भी एरोप्लेन होती है उनको उड़ाने के लिए तो इंटेलिजेंस चाहिए होती है, थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए होती है, यानी कि थोड़े चतुर होना जरूरी है। और इनके सरनेम क्या है? चतुर्वेदी। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये चतुर है इसलिए इन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ा ली। शक्ति स्थल वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप इन विच स्टेट? तो जो शक्ति स्थल है ये जो सेटअप हुआ है ये हुआ है कर्नाटक में। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है, तो हम शक्ति यानी क्या, पावर, एक पावर आना किसी के पास। और कर्नाटक में से हम नाटक वर्ड ले लेते हैं, यहाँ से उसको ब्रेक डाउन करके हमसे नाटक वर्ड मिलेगा। तो हमने बहुत बार देखा है कि किसी के पास भी अगर पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो वो बहुत नाटक करना शुरू करता है और उसको गलत यूज के लिए लेता है। तो इस तरह से आप शक्ति और नाटक को लिंक करके याद रख सकते हैं कि ये कर्नाटक में हुआ है। विच इज द वेल्थीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया? तो जो रिपोर्ट आई थी 2018 में उसके अकॉर्डिंग मुंबई एक वेल्थीएस्ट सिटी है इंडिया की, सबसे ज्यादा वेल्थीएस्ट सिटी मुंबई है। अभी आपको बहुत इजी याद रहेगा कि मुंबई क्या है, मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। जितने भी बड़े बड़े मनी रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं मुंबई में होते हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये वेल्थीएस्ट सिटी तो मुंबई होगी इंडिया की। विच इज इंडियाज फर्स्ट मेजर रेलवे स्टेशन टू बी कम्प्लीटली मैनेज्ड बाई वुमेन? तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि आता है जयपुर में। यहाँ पे 100% वुमेन स्टाफ है, TC से ले लो या ट्रेन ऑपरेटर से ले लो, सब कुछ यहाँ पे वुमेन्स ही देखती हैं। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे कौन सा स्टेशन है,
तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम गांधी वर्ड पे फोकस करते हैं। गांधी से हमको गांधी जी याद आएंगे और वो प्रमोट करते थे वुमेन एम्पावरमेंट को, तो इस तरह से हम इसको लिंक करेंगे कि यहाँ पे भी है एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का कि पूरा स्टेशन वुमेन चला रही है, तो इनको प्रमोट करते थे गांधी जी, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच सिटी, तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 हुए थे वो हुए थे गोल्ड कोस्ट, जो कि आता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखने के लिए हम इसको ऐसे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ, हम यहाँ से वेल्थ ले लेते हैं, वेल्थ यानी बहुत से पैसे, उसी तरह से कहाँ कौन सी सिटी, तो ये थी गोल्ड कोस्ट, तो यहाँ से हम गोल्ड वर्ड ले लेते हैं, तो गोल्ड जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके पास वेल्थ है, तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। अम्मा गांव अम्मा विकास प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो जो अम्मा गांव अम्मा विकास प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था ओडिशा में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ऑफ द ईयर, तो 2018 का जो स्टेट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था वो था छत्तीसगढ़। इसको हम याद रखने के लिए हम ऐसे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो कि स्टेट का नाम है उसमें से हमें एक वर्ड मिलेगी छाती, छाती यानी, तो आप उसको जैसे कि किसी कोई तारीफ कर रहा हो तो हम नहीं बोलते कि इसका छाती चौड़ी होगी गर्व से, तो इसी तरह से हम इसको भी याद रखेंगे जब छत्तीसगढ़ को स्टेट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया तो गर्व से उनकी भी छाती चौड़ी हो गई, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से। विच कंट्री अबॉलिश्ड रिजर्वेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स इन 2018, तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये लिया गया था बांग्लादेश की तरफ से, उन्होंने वहाँ की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें से सारे रिजर्वेशन हटा दिया। इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश जो कि कंट्री का नाम है उसको हम ब्रेक डाउन करके हमें एक वर्ड मिलेगा बंगला, बंगला यानी घर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं उनको हम बोलते हैं बंगला, और हम इसको ऐसे देखेंगे जैसे कि अब रिजर्वेशन एबॉलिश कर दिया तो जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो पहले आते थे उनका बंगला और ये गाड़ी लेने का सपना बहुत मुश्किल हो गया अभी पहले के कंपेरिजन में। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन हटाया ये हटाया बांग्लादेश ने। फर्स्ट वंदन विकास केंद्र वॉज सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो जो फर्स्ट वंदन विकास केंद्र सेटअप हुआ था वो किया गया था बीजापुर में जो कि आता है छत्तीसगढ़ में। हम इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे कि यहाँ पे वंदन विकास केंद्र है, यहाँ से हम वन पे फोकस करते हैं, वन यानी फॉरेस्ट, उसी तरह से जो बीजापुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम फोकस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके हम देखें तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा बीज, बीज यानी क्या होता है सीड्स, तो अगर हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि हम बहुत सारे बीज उगा दें तो हम भी एक वन बना सकते हैं, वन यानी कि जंगल बना सकते हैं, तो इस तरह से वन और बीज लिंक हो जाएंगे। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, तो ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं और ये इनको हाईएस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड है इनके पास। हम इसको अगर आपको याद ना रहे तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि इनका जो सरनेम में आता है वो आता है चामलिंग, उसमें से हम इसको थोड़ा फॉर्म चेंज करके इसको ऐसा बोल सकते हैं कि चार्मिंग, ये चार्मिंग है इसलिए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, क्या है तो ये चार्मिंग है इसलिए वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, इस तरह से आप इसको ये इजीली याद रख सकते हैं। माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरोवियन सोशलिज्म इज रिटन बाय हुम, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है हनुमंता राव के तरफ से, ये एक इंपॉर्टेंट बुक थी जो रिलीज हुई थी, इसके राइटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। विच कंपनी बॉट फ्लिपकार्ट, तो ये फ्लिपकार्ट को खरीदा था वॉलमार्ट ने जो कि US बेस्ड कंपनी है और ये डील कुछ अराउंड 1,00,000 करोड़ की डील थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी इसलिए आपको ये भी याद रखना है। कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो आपको और याद नहीं हो रहा तो उसको कैसे देखेंगे जैसे कि जो वॉलमार्ट है उसमें से हम लास्ट के चार वर्ड ले तो आपको एक मिलेगा मार्ट, उसी तरह से फ्लिपकार्ट में से आपको मिलेगा कार्ट, तो ये थोड़ा बहुत राइम सेट हो गया मार्ट और कार्ट, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। विच सिटी टॉप इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, सर्वेक्षण हुआ था 2018 का उसमें टॉप किया था इंदौर ने, इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे इंदौर है, इंदौर को हम रिफॉर्म करके ऐसे बोल सकते हैं कि इंदौर, इंदौर यानी क्या जैसे कि इंदौर यानी वो होता है कि जो घर के अंदर जो भी होता है हम उसको बोलते हैं इंदौर, और घर के बाहर यानी आउटडोर, तो हम घर के अंदर यानी कि इंदौर बहुत साफ सफाई रखते हैं हमारे घर में, तो इस तरह से आप इसको लिंक करेंगे कि जैसे इंदौर हम साफ सफाई रखते हैं उसी तरह से इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे आया है। विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट सोलर रन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट जो पूरी तरह से सोलर बेस ऑपरेशनल हो गया है, इसमें कुछ अराउंड 6 करोड़ का खर्चा आया था और ये पूरी तरह सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ये है गुवाहाटी का एयरपोर्ट। विच एनवायरमेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, तो जो 2018 का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था वो किया गया था इंडिया में, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। विच कंट्री टॉप वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2018, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स टॉप करने वाली कंट्री है वो है आइसलैंड। अब इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि जैसे कि
हमने बात की थी पहले भी कि आइसलैंड में आइस वर्ड आता है, आइस यानी क्या, बहुत ठंडा, यानी कि लोग वहाँ के जो लोग हैं वो ठंडे स्वभाव के हैं। अब सिंस वो ठंडे स्वभाव के हैं तो उनका पीस इंडेक्स में रैंक हाई करना तो बहुत सिंपल सी बात है। फिर तो मैत्री इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो जो मैत्री इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया नेपाल में। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैत्री इरीगेशन की जो फंडिंग है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल टेक प्लेस इन विच कंट्री, तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है ये होने वाला है कतार में, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस अभी इस ईयर में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट जो एडिशन है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है कतार में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 2018 के, तो ये जीता किसने था, तो ये जीता था फ्रांस ने। अगर आपको ये याद ना हो तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्रांस जो कंट्री है जिसने जीता था उसमें से हम वर्ड मिलेगा आपको रैन। अब रैन मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि फीफा जो कि फुटबॉल है उसमें बहुत भागना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत भागना पड़ता है, इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि ये फ्रांस ने जीता है, क्योंकि उनके जो नाम है उसमें आपको एक रन वर्ड दिखेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री टू बी सेटअप इन विच सिटी, तो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री है सेटअप होने वाली है नोएडा में, ये कौन कर रहा है, तो ये सैमसंग कर रहा है। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये है मोबाइल फैक्ट्री, तो मोबाइल ले लेते हैं हम यहाँ से वर्ड, उसी तरह से नोएडा में सेटअप हो रही है, तो नोएडा में से हमको एक वर्ड मिलेगा आइडिया, यानी नोएडा और आइडिया। अब आइडिया आपको पता है कि ये क्या है, ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मोबाइल से जुड़ा हुआ है ना, ये भी मोबाइल की फील्ड में ही काम करता है आइडिया जो कि है, तो इस तरह से आप इसको याद आ जाएगा कि जैसे कि आइडिया मोबाइल के सेक्टर में काम करता है, उसी तरह से हमको याद आ जाएगा कि नोएडा है जहाँ पे लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री सेटअप होने वाली है। अब कौन कर रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है, ये कर रहा है सैमसंग। हिमादास बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो हिमादास बिलोंग करती हैं असम को। अब हिमादास बहुत, ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एथलीट और प्लेयर थी इंडिया के लिए 2018 में, इसलिए आपको याद रखना है कि ये असम से बिलोंग करती हैं। इसको हम इजीली याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि इनका नाम में आपको वर्ड मिलेगा हिमा, और असम में से हम इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे देख सकते हैं कि आस, आस यानी उम्मीद भरोसा, तो इनकी जो माँ थी इनको इनसे आस थी, उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगी, इस तरह से माँ से हिमा और आस से आपको मिलेगा असम। फर्स्ट खादी मॉल वॉज सेटअप इन विच स्टेट, तो जो फर्स्ट खादी मॉल सेटअप हुआ था वो हुआ था झारखंड में, तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है खादी मॉल की, तो खादी एक रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कि सिल्क से बनाया जाता है, या वो जो नेचुरल कुछ ऑर्गेनिक। फर्स्ट खादी मॉल वॉज सेटअप इन विच स्टेट, तो जो फर्स्ट खादी मॉल है ये सेटअप किया गया है, ये किया गया है झारखंड में। बिम्स्टेक समिट 2018 टुक प्लेस इन विच सिटी, तो जो बिम्स्टेक समिट 2018 हुआ था ये हुआ था काठमांडू में, जो कि आता है नेपाल में। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे, जैसे कि जो बिम्स्टेक समिट है उसमें से आपको भीम में से आपको मिलेगा भीम, भीम के बारे में आपको पता होगा, महाभारत का एक कैरेक्टर है भीम, उसी तरह से हम काठमांडू में से एक वर्ड निकालेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको मैन, तो भीम क्या थे, तो वो थे मैन, तो इस तरह से आप इसको लिंक करेंगे, जैसे कि बिम्स्टेक, जैसे आपको वर्ड दिखेंगे ऑप्शंस में तो आपको अचानक सडनली क्लिक हो जाएगा कि यहाँ से भीम और यहाँ पे आपको मैन वर्ड दिखेगा, तो ये आता है काठमांडू में। पार्कर सोलर प्रोब एयर स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, तो जो पार्कर सोलर क्राफ्ट प्रोब स्पेस क्राफ्ट है ये लॉन्च की गया है नासा की तरफ से, ये जो सन है उसके ऊपर लैंड करने वाला है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला है, इसको हम याद ऐसे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब जो कि स्पेस क्राफ्ट का नाम है उसमें से हम पार्क वर्ड ले लेते हैं, उसी तरह से जो नासा में से हम पहले दो लेटर लें तो आपको मिलेगा ना, यानी कि ना पार्क यानी नो पार्किंग, तो इस तरह से नो पार्किंग से आपको याद आ जाएगा, नो से ना और पार्क से पार्कर। ग्लोबल मोबिलिटी समिट टुक प्लेस इन विच सिटी, तो जो ग्लोबल मोबिलिटी समिट है ये हुआ था न्यू दिल्ली में। अब ये न्यू दिल्ली में क्यों हुआ था इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे मोबिलिटी होती नहीं है बिल्कुल भी, लोग फंस जाते हैं, इसलिए ये समिट हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। G20 समिट टुक प्लेस इन विच कंट्री, तो जो G20 समिट हुआ था ये हुआ था अर्जेंटीना में, इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे, जैसे कि G20 से हम निकालेंगे 2020, यानी जो 2020 क्रिकेट होता है वो, उसी तरह से अर्जेंटीना में से हम निकालेंगे अर्जेंट वर्ड, अर्जेंटीना से अर्जेंट निकल जाएगा, तो हम इसको ऐसे देखेंगे जैसे कि लोगों को बहुत अर्जेंट होता है, बहुत जल्दबाजी होती है, इसलिए आजकल वो लोग 2020 मैच देखते हैं और टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं देखता, तो इस तरह से G20 और अर्जेंटीना लिंक हो जाएंगे। विच इंडियन मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2019, तो ऑस्कर 2019 के लिए जो मूवी नॉमिनेट हुई है वो है विलेज रॉकस्टार।
तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि आपसे जो विलेज रॉकस्टार जो कि मूवी का नाम है उसमें से हम रॉकस्टार वर्ड ले लेते हैं, उसी तरह से जो ऑस्कर है उसमें से हम लास्ट के तीन लेटर ले तो वहां से मिलेगा कार। तो आपको जनरली पता है जो भी रॉकस्टार होते हैं या जो भी स्टार होते हैं उनके पास कार तो होती है, तो इस तरह से आपको रॉकस्टार और कार लिंक करके रॉकस्टार और ऑस्कर लिंक हो जाएगा। हु रिसीव्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, तो जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 दिया गया है ये दिया गया था नरेंद्र मोदी को। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी अभी अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन किया गया था और ये लोकेटेड है गुजरात के वडोदरा में। तो आप ये अगर स्टेट पूछे तो गुजरात, और स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या सिटी पूछे तो इसका आंसर आता है वडोदरा। अब सिंस स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके, सरदार पटेल की है, और सरदार पटेल कहाँ से थे तो ये गुजरात से थे, तो ये भी आपको बहुत ईजी रहेगा कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में है। हॉकी वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन विच स्टेट, तो अभी 2018 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि नई चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे वो हैं रंजन गोगोई। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे इनका नाम है रंजन गोगोई, तो यहाँ से दो तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पहले हम इसके नाम पे फोकस करते हैं इनके, और यहाँ से आपको मिलेगा जन, जन यानी क्या नॉर्मल पब्लिक लोग। तो सिंस अभी ये CGI बन चुके हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जन जो है जो भी जनता है उनके बारे में देखे और इसके अकॉर्डिंगली जजमेंट्स ले और फटाफट केस कंप्लीट करे, तो इससे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा इनका जो सरनेम है गोगोई, उसमें से हम तीन लास्ट के तीन लेटर लें उससे बनेगा GOI। अब GOI किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे कि अभी रंजन गोगोई इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, तो इस तरह से आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आपको लिंक करके याद रख सकते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट एट IMF, तो जो फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है IMF में वो है गीता गोपीनाथ। हम इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे कि इनके नाम है गीता गोपीनाथ, इसमें से हम एक वर्ड ले लेते हैं गीता, तो जैसे कि इनको गीता की बहुत नॉलेज थी इसलिए इनको IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इस तरह से आपको आसानी से याद रह जाएगा। पर्यटक पुलिस हैज बीन फॉर्म्ड इन विच स्टेट, तो जो पर्यटक पुलिस है ये फॉर्म की गई है नागालैंड में, ये दूसरा स्टेट है जहाँ पे बनी है, पहला स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। हम इसको देखते हैं कि नागालैंड में बनी है तो इसको याद कैसे रखें, तो जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है पुलिस की और साथ ही में कहाँ बनाई गई है, तो ये नागालैंड में बनाई गई है, तो उसमें से हमें एक वर्ड मिलेगा नाग, नाग यानी मतलब आपको सांप पता ही होगा। तो पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना। अब ये किससे प्रोटेक्ट करेगी, तो जो भी पर्यटक आएंगे उनका पुलिस प्रोटेक्शन करेगी नाग से, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि पर्यटक पुलिस जो है वो आती है नागालैंड में, ये दूसरा स्टेट और पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वाटर हैंडलूम हट इनॉग्रेटेड इन, तो जो फर्स्ट वाटर हैंडलूम हट है ये इनॉग्रेट हुआ था मणिपुर में। अभी इसको याद रखना बहुत ईजी है, जैसे कि ये वाटर हैंडलूम हट है इसको बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो सिंस बहुत पैसे चाहिए यानी क्या बहुत मनी चाहिए, और मनी कहाँ पे है तो वो है मणिपुर में, तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। स्टैनली द वेल नोन पर्सनैलिटी हु रिसेंट पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू, तो जो स्टैनली हैं इनकी डेथ हो गई थी 2018 में और ये रिलेटेड थे मार्वल कॉमिक्स से, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू इंडियन लैंग्वेजेस, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भाषा संगम नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके यूज से जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता होता, तो उनको अराउंड 22 इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उनको वो पढ़ाया जाएगा, इससे जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में पता चलेगा। हु हैज बीन अवार्डेड एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो जो एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है विजय वर्मा और पी राजकुमार को, ये दोनों एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया क्योंकि जो भी आपको पता है कि केरला में फ्लड्स आए थे अगस्त एंडिंग में, तो उनमें इन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी थी और बहुत से लोगों की इन्होंने लाइफ भी बचाई थी, इसलिए इनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2018 हेल्ड इन विच स्टेट, तो जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ था ये हुआ था हरियाणा में। अब इसको याद रखना बहुत ईजी है, जैसे कि गीता किससे रिलेटेड है, तो गीता रिलेटेड है महाभारत से। महाभारत कहाँ हुआ था, वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र कहाँ आता है, तो कुरुक्षेत्र आता है हरियाणा में, तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ था तो वो हुआ था हरियाणा में। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 विल टेक प्लेस इन, तो जो ग्लोबल एविएशन समिट है ये होने वाला है मुंबई में, ये पहला एविएशन समिट है जो कि इंडिया में होने वाला है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 में होने वाला है और ये होने वाला है मुंबई में। हु हैज बीन ऑनर्ड बाय नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड, तो जो नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड है ये दिया जाता है फ्रांस की तरफ से और उनकी तरफ से दिया जाने वाला ये बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है,
तो ये दिया गया था अजीम प्रेम जी को। इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि ये हमने बात की कि नाइट ऑफ द लीजेंड अवार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यानी कि बहुत अजीम अवार्ड है। और उसी तरह से जो इनका नाम है वो है अजीम प्रेम जी, तो सिंस इनके नाम में भी अजीम है और ये अवार्ड भी बहुत अजीम है, इस तरह से आप इसको लिंक करेंगे कि ये मिला है अजीम प्रेम जी को, जो कि है विप्रो कंपनी के चेयरमैन। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर, तो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर है वो है स्पिन नेकर। इसका ऑपरेशनल इसको स्टार्ट कर दिया गया था 2018 में। इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि ये ह्यूमन ब्रेन है, तो यहाँ से हम ब्रेन ले लेते हैं और इसका नाम क्या है स्पिन नेकर, इसमें से आपको मिलेगा स्पिन। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम बहुत पढ़ लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करने लग जाता है, स्पिन करने लग जाता है, यानी क्या घूमने लग जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन तो है, यह है स्पिन नेकर। यूनिसेफ अपॉइंट्स डैश एज इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर, तो यूनिसेफ ने हिमा दास को इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसको याद हम ऐसे रखेंगे जैसे कि यहाँ पे यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यहाँ पे हम चिल्ड्रन पे फोकस करते हैं। उसी तरह से किसको अपॉइंट किया, तो हिमा दास को। तो यहाँ पे हम हिमा में से हमको वर्ड मिलेगा माँ, तो जैसे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चिल्ड्रन के रिलेटेड है और यहाँ पे हमको एक वर्ड मिला माँ, तो इस तरह से हम इनको लिंक कर देंगे कि यहाँ पे चिल्ड्रन और यहाँ पे माँ, तो ये हिमा दास ने को अब इन्होंने अपॉइंट किया है। विच कंट्री इज रिजॉइनिंग कॉमनवेल्थ, तो जो कॉमनवेल्थ को रिजॉइन करने वाली कंट्री है वो है मालदीव्स। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि एक मालदीव में से आपको मिलेगा मैड वर्ड, यहाँ से अलर्टा दें तो आपको मिलेगा मैड वर्ड, तो ये कंट्री मैड है क्योंकि इन्होंने 2016 में इसको छोड़ दिया था और अभी वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंट्री मैड है कि ये कभी छोड़ रही है और कभी इसको वापस ज्वाइन कर रही है। वेज बी नेम्ड एज यूनिसेफ्स यंगेस्ट एवर गुडविल एम्बेसडर, तो यूनिसेफ के यंगेस्ट एवर गुडविल एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है मिली बॉबी ब्राउन को। ये अमेरिकन टीवी सीरियल्स में वहाँ पे एक स्टार हैं, ये चाइल्ड एक्ट्रेस हैं ये, और इनको अपॉइंट किया गया यंगेस्ट एवर गुडविल एम्बेसडर। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि इनका नाम है बॉबी, उसमें से आपको वर्ड मिलेगा बेबी, और ये क्या है, ये यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट यानी क्या छोटे, यानी कि आपको ये भी पता है कि जो बेबी होते हैं जो वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, जो छोटे होते हैं उनको ही हम बेबी बोलते हैं। तो इस तरह से आप बेबी और यंगेस्ट को लिंक करके याद रख सकते हैं और बेबी से आपको मिल जाएगा बॉबी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग हेड ऑफ यूएनईपी, तो यूएनईपी के एक्टिंग हेड के लिए अपॉइंट किया गया है जॉइस मसूया को। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि जैसे कि इनको अब पता चला कि इनको हेड बनाया गया यूएनईपी का, तो इनको बहुत खुशी हुई, खुशी हुई यानी क्या इनको बहुत जॉय हुआ। ये जॉय कहाँ से आया, तो इनके नाम में आप देखेंगे पहले तीन लेटर्स से आपको मिलेगा ये वर्ड जॉय, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। रिसेंटली विच बैंक टर्न्ड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, 2018 में जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसको पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे जैसे कि हॉर्नबिल है उसमें से हम बिल वर्ड ले लेते हैं, उसी तरह से नागालैंड में से हम एक नाग ले लेंगे, तो नाग यानी क्या सांप, तो सांप रहते कहाँ हैं, तो सांप रहते हैं बिल में, तो इस तरह से हॉर्नबिल और नागालैंड आपको लिंक हो जाएंगे। अंडर वाटर रेल ट्रैक विल बी सेटअप बिटवीन मुंबई एंड, तो जो अंडर वाटर रेल ट्रैक सेटअप होने वाला है ये होने वाला है मुंबई और दुबई के बीच में। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे देखेंगे कि जैसे कि सिंस ये अंडर वाटर रेल ट्रैक मुंबई और दुबई के बीच में होने वाला है, तो हम दुबई में से हम इसको रीफ्रेम करके ऐसे बोल सकते हैं डूबा, तो सिंस ये ट्रेन पानी में से जाने वाली तो हम इसको ऐसे बोल देंगे कि ट्रेन डूब गई, तो डूब गई से आपको याद आ जाएगा दुबई, इस तरह से आपको इजीली याद रह जाएगा। विच ईयर हैज सेट द टारगेट टू डबल द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है इनको डबल करने का जो टारगेट सेट किया गया है वो है 2022। अब ये बहुत ईजी है क्योंकि जैसे कि आपको याद रखना है कि ये कौन से ईयर में डबल करने की बात हो रही है, तो डबल की बात हो रही है तो हम इस ईयर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको 2, 2 और 2 ही दिख रहा है, यानी कि सिर्फ डबल 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 ही दिख रहा है, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि ये 2022 की बात कर रहे हैं। विच कंट्री इज द फर्स्ट वन टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाली जो पहली कंट्री है वो है लग्जमबर्ग, जिसने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए हैं। इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि जो लग्जमबर्ग कंट्री है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं लक्स और बर्गर में, यहाँ से लक्स और ये बर्गर लग्जमबर्ग को ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि आप कोई लक्स साबुन लोगे तो उसके साथ आपको मिलेगा बर्गर फ्री, लक्स के साथ बर्गर फ्री, तो इस तरह से आपको इसको याद आ जाएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाली जो पहला कंट्री है वो है लग्जमबर्ग। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, तो इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन किया गया था 25 दिसंबर को,
वो है बोगी बिल ब्रिज, ये आता है असम में। तो अब इसको अगर आपको याद ना रहे तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, रेल रोड ब्रिज है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि आपको ब्रेक डाउन करें इसको बोगी बिल को, तो आपको मिलेगा एक वर्ड मिलेगा बोगी और दूसरा मिलेगा आपको व्हील, व्हील में से आपको मिलेगा व्हील। अब बोगी होती है वो ट्रेन में लगती है, और व्हील क्या होता है, व्हील जैसे कार गाड़ी वो सब होती है उनमें लगता है, और वो कहाँ चलती है, वो रोड पे चलती है, और रेल चलती है उनके रेल ट्रैक पे। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि ये रेल रोड ब्रिज है। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए हैं जमाल खशोगी को। इसको हम याद करने के लिए ऐसे देखेंगे, जैसे कि इनका नाम है खशोगी, सरनेम मिलेगा आपको खशोगी, खशोगी में से आपको वर्ड मिलेगा खास। तो जैसे कि ये बहुत खास इंसान थे, हम इसको ऐसा बोलेंगे कि ये खास इंसान थे, इसलिए इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। हु हैज बीन क्राउन्ड विद मिस यूनिवर्स टाइटल, तो जो मिस यूनिवर्स टाइटल दिया गया था ये दिया गया था कैटरीना को, ये फिलीपींस की है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि ये टाइटल मिला किसको है, मिस यूनिवर्स का, ये मिला है कैटरीना को। अब कैटरीना सिमिलर साउंड करती है कैटरीना के, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, ये जो बेसिकली टाइटल मिला है ये मिला है कैटरीना को, और इससे आपको याद आ जाएगा ये मिला है कैटरीना को। हु वॉन BWF वर्ल्ड टूर, तो जो बैडमिंटन का ये वर्ल्ड टूर है ये जीता है PV सिंधु ने, ये इन्होंने पहला ये वर्ल्ड टूर जीता है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने हराया नोजुमी ओकुहारा को, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप इसको अच्छी तरह से वीडियो देख लेना, अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोज आपको लाएं जब आपको पता चल जाए।